अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विलेज इन्फो में खुश आमदीद। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज नई वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों ये हमने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमने ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं। इसमें कोई वैक्सीनेशंस वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनमें कोई बीमारी वगैरह नहीं आई, क्योंकि ये फसलों में फिरती हैं, घूमती फिरती हैं, वहाँ से जड़ी बूटियाँ वगैरह खाती हैं, तो ये सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज आपको मैं इनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त ये काम करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा काम है, एज अ साइड बिज़नेस करना चाहें या इसको फुल बिज़नेस में भी ले आए तो ये काम अच्छा है। ये मेरी मम्मा का शौक था, उन्होंने ये रखी हुई हैं। जब वो सिटी एरिया में रहती थी तब भी उनका शौक था, लेकिन वहाँ पर ये काम नामुमकिन है, ये विलेज एरिया में ही हो सकता है, क्योंकि ये लोग ये जो मुर्गियाँ होती हैं ये मिट्टी में खुश होती हैं और ज़मीनों में जड़ी बूटियाँ वगैरह खाती हैं, घूमती फिरती हैं, तो इसको बीमारी वगैरह नहीं होती, इनको बीमारी वगैरह नहीं लगती। तो दोस्तों ये जो यहाँ विलेज एरिया में ज़्यादा खुश रहती हैं, इसका दोस्तों फ़ायदा ये है, इनका फ़ायदा ये है कि आप इनको मतलब घर की जो बची खुची रोटियाँ होती हैं आप उनको ये दे सकते हैं, वो ये खा लेंगी। और उसके अलावा जो मतलब आप जो जानवरों को बंडा वगैरह देते हैं, जो जानवरों को खल वगैरह आप देते हैं, वो भी आप इनको दे सकते हैं, ये वो भी खा लेती हैं आसानी से। और उसके अलावा फसल में जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं वो भी खाती हैं। ये देखें दोस्तों, ये जा रही हैं, ये पानी पी रही हैं, ये दोस्तों पिजन्स दे रहे हैं, ये दाना वगैरह खा रहे हैं, ये दोस्तों ये मुर्गी, ये देखें ये पानी पी रहा है चूजा, तो दोस्तों अब मेरी माँ का ये बढ़ाने का इरादा है, वो ये चाह रही हैं कि अब इसको इन मुर्गियों को और बढ़ाया जाए। तो मैं उनको सील मुर्गियाँ और सील मुर्गे लेकर दे रहा हूँ। पहले उनका इरादा था ऐसे घर में रखने का, लेकिन अब उनका इरादा है कि ये साइड बिजनेस के अलावा वो आप बिज़नेस करना चाहती हैं इनका, तो ये मुर्गियाँ और मुर्गे और मैं उनको लेकर दूंगा। तो दोस्तों ये सर्दियों में हम इनके जो अंडे वगैरह होते हैं हम वो अंडे वगैरह खुद खाते हैं, और उसके अलावा जो इसके गर्मियों में इसके बच्चे वगैरह निकलवाते हैं, जो बच्चे निकलते हैं फिर वो बड़े होते हैं, तो मुर्गे हम खा लेते थे, जो मुर्गियाँ होती थी वो हम छोड़ देते थे उनको। लेकिन दोस्तों ये फसल में फिर रही हैं, आप देख सकते हैं ये सारा माहौल, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सेहतमंद, कोई इनको कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वैक्सीनेशन इनकी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार के इसकी इनमें कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ये बिल्कुल सेहतमंद है। इनका सेहतमंद का राज जो है वो यही है कि वो इन ज़मीनों में फिरती हैं, जड़ी बूटियाँ खाती हैं, घूमती फिरती हैं, मिट्टी में खुश होती हैं। देखें दोस्तों ये चूज़े, आप देखें ये कैसे फिर रहे हैं अपनी माँ के साथ, दोस्तों जो मेरे दोस्त ये बिज़नेस करना चाहते हैं वो ये करें, साइड बिज़नेस है, अपने घर में बैठे ही इंसान ये काम कर सकता है, बहुत अच्छा काम है। आप अंडों के पर्पज़ पर करें तब भी अच्छा काम है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तकरीबन 100 मुर्गियां रखें, आपके 100 अंडे आ सकते हैं, अंडों के पर्पज़ के साथ करें तो वो कर सकते हैं, और अगर गोश्त के पर्पज़ से करें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह अपनी नई अगली वीडियो में मैं आपको जो नए मुर्गे वगैरह और मुर्गियां वगैरह होंगे मैं उनकी वीडियोस भी आपको दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के साथ, आज की यही वीडियो थी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।